एक्सप्लेनिंग माइनोटोर ए बुल हेडेड ह्यूमनॉइड क्रीचर फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज। तो माइनोटोर एक काफी यूनिक स्पीशीज है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है और गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज के अंदर ये हमें एज ए ह्यूमनॉइड क्रीचर के तौर पर दिखता है जिसका जो लोअर बॉडी एरिया है और जो हेड है वो एक बुल का रहता है, बाकी जो पूरा बॉडी पार्ट है वो ह्यूमन का रहता है, जहां पर इनका डिफेंसिव स्टैट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन इनके साथ साथ जो इनका ऑफेंसिव स्टैट भी काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। ये अपने सर एक बहुत ही ह्यूज एक्स कैरी करके रखते हैं जिसे वो एज ए ऑफेंसिव टूल की तरह यूज करते हैं, जहाँ पर ये एक्स इतना ज्यादा भारी और इतना ज्यादा शार्प रहता है कि ये किसी भी ह्यूमन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है। साथ ही साथ वो इस एक्स की मदद से अपने आप को गार्ड भी कर सकते हैं और एनिमी अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ये सब काफी नहीं है तो इनकी स्पीड भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहता है, जहां पर अगर हम ये सारे ऑड्स के अगेंस्ट लड़ के भी उसके ऊपर अटैक कर भी ले तो भी इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल रहती है कि ये मल्टीपल अटैक को झेल सकता है और तब भी उसके पास इतना स्टेमिना बचा रहता है कि वो फिर से उठे और फाइट को कैरी ऑन कर सके। जहां पर सिर्फ एक ही माइनोटोर को हैंडल करने में काफी ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल आ जाए तो चीजें बद से बदतर बन जाती है। तो ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ओवर माइनोटोर। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको मेरी दूसरी वीडियोस ऊपर स्क्रीन में दिख जाएगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।